शिवपुरी पुलिस अमोला घाटी पर हुई दो लूट की सनसनीखेज घटना का 48 घंटे में न सिर्फ खुलासा किया बल्कि लूट के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। 23 अगस्त को इमरान खान अपनी बहन और मां के साथ करेरा से शिवपुरी आ रहा था, तभी अमोला घाटी पर गाड़ी से आए दोनों आरोपियों ने कट्टा अड़ाकर पर्स छीन लिया था। वही इसी तरह की दूसरी घटना कोलारस निवासी राकेश की पत्नी के साथ हुई थी। एक दिन में दो लूट की घटनाओं को एसपी ने गंभीरता से लिया है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट का माल बरामद किया है। अमोला घाटी के पास दो व्यक्तियों के साथ एक अपने इमरान खान साहब थे, एक दीवान परिवार थे, इनके दोनों फैमिली से मोटरसाइकिल जा रहे थे। इनके साथ एक काले रंग के अपाची में दो लड़के आके इनके दोनों के साथ वारदात किया था लूट का। इन दोनों को जो है 40 फैक्ट दर्ज की गई थी, पुलिस टीम लगातार लगी हुई थी। ये अभी सूचना मिली कि भाग रहे वहाँ पे, उनको पुलिस ने तत्काल वहाँ उसको पीछा किया। लगभग 25-30 किलोमीटर वो तेजी से भागने का प्रयास किया, लेकिन हमारे पुलिस टीम जो वहाँ पे थी, एक एसआई तोमर की टीम थी वहाँ पे, सुबाया थाना प्रभारी टीम थी जो पीछे से पीछा कर रही थी, और वो आगे से उसको पकड़ा जाके अपनी स्वयं की गाड़ी से उसको जाकर पकड़ा और उसके पास से कट्टे मिले। दो अपराधी जो है, जो एक दतिया के जो झांसी में रह रहा है, एक अपराधी जो है झांसी का रक्षा जी रक्षा थाने का है, दोनों अपराधी को पकड़े हैं। इनके खिलाफ काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वहाँ पर दर्ज हैं, ये लूट के वारदात के भी अपराध दर्ज है। इनके पकड़ के इनके कब्जे बरामद किए गए, इनसे पूछताछ किया गया तो ये सीहोर थाना में जो लूट हुई थी उसका भी जो है इन्होंने वारदात कबूल किया है और उसमें भी जो है इनके साथ इनकी जब्ती उब्ती कार्रवाई किया है। कितने की लूट थी सर? इसमें कुछ सोना चांदी और कुछ पर्स जो उनके पास थे वो लिए थे। लगभग एक के पास 5-6 हज़ार रुपये का पर्स था, पर्स में रुपये थे, और एक के पास सोना झुमकी वगैरह कुछ लिए थे, उनके पास रुपये थे। दोनों के जो है माल वहीं पे बरामद कर लिया।